पैराई झिंझा मामले में चल सकता है बुलडोजर। जी हां, नोटिस के बाद घरों से सामान हटाने लगे लोग। आरोपी समेत 23 घरों को पीडब्ल्यूडी का नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन का अवैध निर्माण हटाने का निर्देश है। 3 दिन में नहीं हटा अवैध निर्माण तो एक्शन संभव है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त बहराइच मामले से जुड़ी हुई सामने आई है। तो देखिए, इन घरों पर नोटिस चस्पा किया गया, 3 दिनों की मोहलत। जहां जहां अवैध निर्माण, वहां से वो निर्माण हटा लिया जाए, अन्यथा उसके बाद सरकारी कार्रवाई होगी, बुलडोजर चल सकता है। चिन्हित किए गए हैं ऐसे कई मकान, सिर्फ एक या दो मकान नहीं, कई मकान चिन्हित किए गए हैं जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, और उस हिस्से को बुलडोज भी किया जा सकता है अगर 3 दिनों में ये खुद से लोगों ने कार्रवाई नहीं की। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग अपना सामान हटाते भी यहां से नजर आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से यह नोटिस चस्पा किया गया है उन जगहों पर जिसे चिन्हित किया गया है प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अवैध निर्माण के रूप में। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और घरों पर नोटिस क्यों लगाया गया है। सीधा बिग वॉल का यहां पर हम रुक कर रहे हैं, वो देखिए, वो नोटिस की कॉपी आपको दिख रही है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी का ये नोटिस है। आशंका क्या है? 23 घरों पर चल सकता है बुलडोजर। इस नोटिस के बाद कहां कहां पर, महसी, महराजगंज कस्बा, जहां पर हिंसा हुई थी, वजह क्या, अवैध निर्माण वजह बताई जा रही है, और इसी को लेकर इन 23 घरों पर बुलडोजर चल सकता है। किस पर होगा एक्शन ये भी देखिए, हिंदू मुस्लिम दोनों पर एक्शन होगा। 20 घर मुस्लिम, 3 घर हिंदुओं के, जिसे चिन्हित किया गया है। आदेश में क्या कहा गया है? 3 दिन में खुद अवैध निर्माण हटाएं, नहीं तो प्रशासन अतिक्रमण हटाएगा, यानी कि उनको बुलडोज किया जाएगा, ये आदेश में कहा गया है। अब खास बात आप यहां पर समझिए, पीडब्ल्यूडी और रेवेन्यू मजिस्ट्रेट की तरफ से इस नोटिस को लगाया गया है। नोटिस चिपकाने से पहले घरों में लाल निशान बकायदा वहां पर लगाए गए थे, यानी कि वह कहां तक जो सरकारी जमीन है वो आती है, लाल निशान से उसको मार्क किया गया था, और अब साथ में नोटिस वहां पर चस्पा दिया गया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस लाल निशान को लेकर कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं, उसे पीडब्ल्यूडी ने 1 साल पहले ही लगा दिया था। बहराइच से संवाददाता विपिन चौबे की ये रिपोर्ट देखिए। ये वो घर है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है और पहले से इस रोड का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। ऐसे में सड़क के दोनों तरफ जो अतिक्रमण के श्रेणी में आएगा, उन तमाम घर, मकान और दुकानों को तोड़ा जाना है। इसकी कार्रवाई 1 साल पहले शुरू की गई थी, और आपको बता दें 1 साल पहले मार्क भी लगाया गया था कुछ घरों में जो इसकी जद में आते हैं, यानी जिन्होंने सड़क को अतिक्रमण करके अपना घर बनाया है। इस तरह के लाल निशान 1 साल पहले पीडब्ल्यूडी ने इस तरह के घरों पर लगाया था। सिर्फ यहां नहीं, यानी जो हिंसा वाला घर है जहां से शुरुआत हुई, उसके सामने के घर में, इसके अलावा देखेंगे इसके बगल के भी घर में इसी तरह के लाल निशान लगाए गए हैं, और आगे भी 2-3 घरों पर लाल निशान लगाए गए हैं। और ये इस बात का परिचायक है कि इंक्रोचमेंट यहां पर हुआ था, और इंक्रोचमेंट की कार्रवाई के तहत ये पूरा इलाका मार्क किया गया था, और यहां पर जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई होनी है। अधिकारी लगातार इस इलाके की फिर से पैमाइश कर रहे हैं, क्योंकि पहली जो पैमाइश हुई थी वहां पर इस तरह के मार्क्स लगाए गए थे। ये वो घर है जहां पर हिंसा की शुरुआत हुई थी, उसके ठीक बगल वाला मकान है, और इसके ठीक बगल में आप देखेंगे वो घर, यानी जो अब्दुल हमीद का घर है, वो भी इसकी जद में आता है। अगर इस निशान को देखेंगे तो लगभग आधा शटर से 3-3.5 फीट का एरिया अतिक्रमण के रेंज में आता है। लेकिन पुराने निशान को छोड़कर अब तमाम ऑफिशियल्स को कहा गया है कि अतिक्रमण को चिन्हित करना है, सड़क का चौड़ीकरण करना है। और बहराइच में बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। क्या बड़ी बातें सामने आई हैं और क्या अहम सवाल हैं, एक नजर उस पर भी डालते हैं। 5 सवाल हैं। पहला सवाल यह कि अवैध निर्माण पर नोटिस को धार्मिक एंगल क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि दावा तो यही है कि हिंदू और मुसलमान दोनों के मकान इसमें शामिल है। दूसरा सवाल, सरकारी जमीन के अतिक्रमण पर एक्शन तो हिंदू मुस्लिम इसमें क्यों देखा जा रहा है, और तीसरा, हिंदू मुस्लिम दोनों को नोटिस, एक तरफा कार्रवाई की बात क्यों। और देखिए चौथा बड़ा सवाल, 1 साल पहले लगे लाल निशान, तो एक्शन को हिंसा से क्यों जोड़ा गया है? नियमों के मुताबिक नोटिस तो सियासी रंग, आखिर इसको क्यों दिया जा रहा है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब भी हम तलाशते हैं, और अलग अलग जो सियासी दल हैं उनका क्या कहना है।
हमारे साथ जो इस वक्त खास मेहमान जुड़े हुए उनसे सबसे पहले आपका परिचय करा दे। अनिला सिंह जो कि बीजेपी प्रवक्ता है इस वक्त हमारे साथ है। फराज किदवई समाजवादी पार्टी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज इस वक्त AIMIM प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। वरुण पुरोहित जो कांग्रेस के नेता है वो इस वक्त हमारे साथ है। सुनीता एरोन जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए फराज किदवई जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह से अब कार्रवाई हो रही है, जो महाराजगंज में नोटिस चस्पा दिए गए 23 घरों के खिलाफ, जो PWD की तरफ बुलडोजर कार्रवाई की बात कही गई है, आप इसको कैसे देखते हैं, किस नजर से आप इसको देखते हैं? देखिए रवि जी, एक शेर से मैं अपनी शुरुआत करूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए भी तो कहां जाए, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। जब से ये 2014 के बाद से केंद्र में ये आजादी का जो स्वर्णिम काल चल रहा है और उसमें उत्तम प्रदेश की जो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चल रही है, अब आप देखिए, मैं आपको एक अखबार की कटिंग दिखाता हूं जिसमें लिखा हुआ है कांट बुलडोज द ड्यू प्रोसेस। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ये बुलडोजर इनजस्टिस के मामले में। भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो द्वेष की भावना से रवि जी बुलडोजर की कार्रवाई करती है। आज देखिए कि लखनऊ में भी बुलडोजर अगर चला, नहीं फराज के भाई साहब, ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो अभी हिंसा के बाद इसको नहीं शुरू किया गया, जैसा हमारे संवाददाता भी ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं, लाल निशान इन मकानों में एक साल पहले लगा दिया गया था। अवैध निर्माण जो किया गया, बोल दिया भाई या तो आप खुद गिरा लो या फिर 3 दिन के अंदर हम गिरा देंगे। देखिए मैंने आपको जो शेर सुनाया रवि जी, वो ये लाल निशान पर ही सुनाया था, जो मैं फिर से इसकी पहली लाइन में रिपीट कर दे रहा हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच दिखा दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो अब हो, मैं आज के ऊपर बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं ये पूरा हमला सरकार के ऊपर कर रहा हूं। लखनऊ में बुलडोजर की कार्रवाई होती है रवि जी, उसमें अब आप बोल रहे हैं कि हम लोग धर्म देखते हैं, हम धर्म कहां देखते हैं? लखनऊ में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, सरकार ने धर्म देख करके एक धर्म के 99% मकानों को नेस्त नाबूद कर दिया और कम से कम 5000 मकानों पर लाल निशान बने हुए थे, तो उनको छुआ तक नहीं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बेसिकली क्या है रवि जी, की ये माहौल बनाया जा रहा है। महात्मा गांधी जी की जब हत्या हुई थी तो सरदार, बस एक लाइन, महात्मा गांधी जी की जब हत्या हुई थी तो सरदार पटेल जी ने गोलवरकर जी को एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में लिखा था कि गोलवरकर जी और उनके वर्कर ने जो देश में माहौल बनाया उसकी वजह से महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का आज की तारीख में देश में माहौल बना रही है, डिवाइड एंड रूल वाला जो अंग्रेजों ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, ठीक है, माहौल का ये आज लेकिन किदवई साहब, कुछ तथ्य तो हैं, उनको हम कैसे डिनाई कर दें, वो सामने आए हैं। अनिला जी, अब सवाल यही बनता है कि एक साल पहले नोटिस दिया गया, उस पे लाल चिन्ह लगा दिए गए, लोगों को कहा गया था कि वो हटा ले नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे, तो क्या बीजेपी सरकार बहराइच जैसे गोली कांड का इंतजार कर रही थी? मेरी सबको राम राम। उत्तर जो है एक विशाल प्रदेश है, 25 करोड़ आबादी वाला प्रदेश है, प्रदेश क्या है, पूरा देश है। लगातार कार्रवाई हो रही है और प्रयासरत है हर जिले में जहां जहां पर मैडम, उत्तर प्रदेश देश नहीं है, ये सब बातें मत करिए, उत्तर प्रदेश इज नॉट अ कंट्री, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। इफ यू डू नॉट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, डू नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश हियर, ओके, दिस इज अ हिंदी शो और मैंने कहा इट इज लाइक अ, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड इंग्लिश, that you are saying Uttar Pradesh is a country, what are you talking? Bharatiya Janata Party is saying Uttar Pradesh is country, please correct yourself and say किदवई साहब, किदवई साहब एक बार अनिला जी को सुन लेते हैं कि वो क्या कहना चाहती है, अगर कोई मेटाफर यूज कर रही है तो उसको भी हम देखते हैं ना। उत्तर प्रदेश उनको देश नहीं है, देश भारत है, इनसे कहिए अपने शब्द वापस ले। वो आप उनको अनिला जी जो आपकी तरफ से कहा गया उसको लेकर आपत्ति है, आप थोड़ा बता दीजिए, आपका संदर्भ क्या था, क्या आप अपनी बात को रखना चाह रही थे, आप इसको क्लियर करें।
देखिए जो मूर्ख होते हैं ना उनकी बुद्धि में कुछ नहीं पड़ सकता। मैडम प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। अगर ये गुजारिश है, ये गुजारिश है, इस डिबेट के दौरान ऐसे पर्सनल और ऐसे शब्दों का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। कंपैरेटिव आपका इंटेलेक्ट लेवल देख लिया, आपका इंटेंशन देख लिया, आप प्रदेश देश बोल रही है। जो व्यक्ति जो टीवी 9 के करोड़ों लोग सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भारत जैसे विशाल और महान देश के प्रदेश को देश बोल रही है, ये कौन सी मानसिकता है? ये गोदसेवादी मानसिकता है। किदवई साहब उत्तर लेंगे आप, देखिए हमारे पास सीमित समय होता है, आपने अपनी आपत्ति दर्ज कर दी, अपनी बात कह दी, अब धैर्य रखिए और जवाब सुन लीजिए, मुझे लगता है वो भी जरूरी है। ये मुझे मूर्ख कहेंगी है ना? हमने 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 उसकी वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। अनिला जी से हमने रिक्वेस्ट किया कि भाषा की मर्यादा हम बनाए रखेंगे अपने बहस में, अपनी बातचीत में, टीवी 9 पर हम कम से कम इतना एंश्योर करेंगे कि मर्यादा बनी रहे, तीखी बहस हो लेकिन तथ्य परक हो। अनिला जी अपनी बात कहिए प्लीज। मैं अपनी बात रख रही हूं पर यह नहीं है कि कोई भी मेरे साथ गुंडागर्दी करेगा। आप सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने आपसे किया था अनिला जी, कि एक साल का वक्त क्यों सरकार ने लिया। ये भी सुने, कृपया करके मुझे आपको टाइम देना दे दीजिए, नहीं तो मैं उठ जाती हूँ। अनिला जी अपनी बात, कोई तरीका नहीं है मेरा टाइम जो ये व्यक्ति खा जा रहा है। अनिला जी अपनी बात करिए, अपनी बात करिए। मैं फिर कहती हूँ उत्तर प्रदेश एक राज्य नहीं, एक राष्ट्र की तरह है। 25 करोड़ की आबादी, अगर पूरे यूरोप की भी आबादी हम देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर है। ये गुंडागर्दी की पार्टी, माफिया, डॉन, अपराधी और टेररिस्ट को पालने वाली ये पार्टी जो आज हमें पाठ पढ़ाएगी, बर्बाद करके रख दिया प्रदेश को और यहां बैठकर बोल रहे हैं 2.5 इंच की जवान है कैसे भी हिला दो। चुन चुन के मैं कहती हूं अवैध निर्माण जहां जहां हुआ है बिल्कुल गिरेंगे, चुन चुन के गोली लगेगी और गोली ये नहीं देखती कि छाती है कि सर है कि पैर है, चुन चुन के मारेंगे। हाँ मार, महात्मा गांधी का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं बैठकर, आरएसएस के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अरे महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने और तो और राजीव गांधी ने भी आरएसएस से मदद मांगी। जानते हो कुछ इतिहास? केवल बस बोलना है। संघ के विषय में कुछ जानते हो? यहां पर बैठकर बात करें, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। हाँ क्या योगी आदित्यनाथ जी के लिए हम बोले कि कर दिया अपराध दूर बिना खड़ग बिना ढाल? गोरखपुर के संत तूने कर दिया जी नहीं, भय भी हो ना प्री, चुन चुन के, चुन चुन कर निशाने पे लेंगे। चले ठीक है अनिला जी, जो आपको जवाब देना था वो आपने जवाब दिया। राजनीति करनी है करते हैं अनिला जी, ठीक है। फराज किदवई साहब सभी मेहमानों को सुन लेते हैं। अनिला जी आप बिल्कुल प्लीज पर्सनल मत होइए, किसी पर कोई निजी टिप्पणी मत करिए, ये हमारी गुजारिश है, दरख्वास्त है आप दोनों से, और अपने शब्दों की मर्यादा को बरकरार रखिए। पंकज श्रीवास्तव जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए पंकज श्रीवास्तव जी, महसी महराजगंज में जो हिंसा हुई उसके बाद अब जिस तरह से पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई सामने आ रही है, कुछ लोग ऐसे जो इसको सियासी नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये जो कार्रवाई है वो पीडब्ल्यूडी की तरफ से है वो आपको सही लग रही है? क्या लग रहा है? एक साल पहले ही सब कुछ कर दिया था, लाल निशान लगा दिए गए थे, कार्रवाई की शुरुआत थी, लेकिन अब मकान गिराने की बात कही जा रही है। बहुत गंभीर प्रश्न है और मेरा ख्याल है कि हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि चुन चुन के मारेंगे, और मैं बिल्कुल हतप्रभ हूं और मैं बहुत हैरान हूं। इस देश में सजा देने का काम अदालतों का है, उसकी एक प्रक्रिया है। अगर कोई पार्टी सरकार ये कहती कि हम चुन चुन के मारेंगे तो वो हत्यारी सरकार है, उसे एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का हक नहीं। मैं बड़े गंभीरता से बात कह रहा हूं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाना डराने वाला है कि कैसे लोगों के हाथ में सरकार है, किस पार्टी के हाथ में सरकार है कि वो कह रहे हम चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के। अरे आप नहीं कर सकते हैं, अदालत का काम है, अदालत कहेगी बिल्कुल जहां कहे वहां तोड़ देना चाहिए, लेकिन वो अदालत की एक प्रक्रिया है। देखिए उत्तर प्रदेश देश के सबसे जो गरीब राज्य है, 3 बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, नीचे से तीसरा, और जिस बहराइच की हम बात कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला है। 55% लोग वहां पर गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, बहुत ही बुरी हालत है। ये मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये आप अभी गूगल कर लीजिए, अभी 2023 का ये आंकड़ा बता रहा हूँ। सबसे गरीब जिला उत्तर प्रदेश का बहराइच, वहां पर जिस तरह से तनाव पैदा किया गया, अगर मैं अभी तनाव की बात नहीं करूंगा, अभी इस पे आप जो कह रहे हैं कि अगर वहां पर साल भर पहले अतिक्रमण हटाने की कोई प्रक्रिया थी, किसको एतराज हो सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अवैध निर्माण का जहां प्रश्न है, सड़क चौड़ी करना है, उसकी एक प्रक्रिया है, आप बिल्कुल हटा दीजिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब कोई घटना होती है तो उस घटना में जो लोग आरोपित होते हैं उनको निशाना बना के अचानक उनके घर जो है वो बता दिया जाता है कि साहब इसको तोड़ा जाना है, तो इसमें खास तरह का संदेश देने की कोशिश की जाती है। जो अभी अनिल जी ने अपने बयान किसको संदेश देने की कोशिश की जाती है, ये भी तो सवाल है। हम कुछ नहीं मानेंगे, हम किसी अदालत को नहीं मानेंगे। पंकज जी ये भी प्रश्न है कि किसको संदेश देने की कोशिश की जाती है, वो जो कानून मानते हैं या जो कानून तोड़ते हैं, जो हथियार का इस्तेमाल करते हैं गैर कानूनी तरीके से, या फिर वो जो कानून का पालन करते हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुर्गा जी की किस शास्त्र में, किस हमारे धर्म शास्त्र में लिखा है कि आप अपनी जो यात्रा है, और उसमें सारे लोग नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो महात्मा गांधी के हत्यारों की पार्टी है, या अभी अनिला जी इतिहास पढ़ा रही थी, ने कुछ इतिहास नहीं पता है, वहां पर जाकर आप खड़े हो जाइए और नारे क्या लगाइए, नारे लगाइए कि फलाने काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, फिर आप गाना गाइए कि आएंगे तो योगी जी, और फिर पुलिस खड़ी है, आप अंदाजा लगाइए पुलिस खड़ी है चारों ओर, और वहां पर एक लड़का, उसे चढ़ाया जाता है चढ़ जाओ झंडा तोड़ो, अपने आप तो वो चढ़ नहीं सकता, उसे लोगों ने मदद की होगी, और पुलिस गायब है, वो जाता है झंडा उतारता है रेलिंग तोड़ता है और उसके बाद उसको निशाना बना के गोली मार दी जाती, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या योगी प्रशासन यही चाहता था वहां पर, या अगर कोई जरूरत ठीक है, तो यानी आप कुल मिलाकर प्रशासन और सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रश्न उठा रहे हैं। एक हमारे साथ मेहमान और जुड़े हुए हैं, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब। अब सवाल यहां पर घूम फिर के यही आता है कि भाई सरकार करे तो क्या करे, अगर एक घटना हुई है और उसमें कुछ लोग चिन्हित हुए हैं, उन पे एक्शन होना है, उन पे एफआईआर दर्ज है, वो फरार हैं, उनके मकान अवैध तरीके से निर्माण किए गए हैं, तो सरकार क्या करे, सरकार के पास कार्रवाई करने के लिए जो स्कोप है क्या उसका इस्तेमाल करे, या फिर वो विपक्ष के सवालों से डर के चुप बैठे, क्या करे सरकार, क्या करना चाहिए सरकार को, आपकी सलाह सरकार को क्या होगी? देखिए सरकार जो है, जब ठोक देने वाली राजनीति करती हो, बटोगे तो कटोगे राजनीति करती हो, दूसरा एक बात तो, एक मेरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि जब वो यात्रा निकाली जा रही थी तो यात्रा पूरी जो है शांतिपूर्वक निकल रही थी, मगर जब मस्जिद के बाहर जाते हैं तुरंत वहाँ पर नंगा नाच करते हैं, वहाँ पर झंडा जो है उतारा जाता है, ऊपर चढ़ाया जाता है और अपत्यजनक नारे लगाए जाते हैं, फिर जब उधर से भी होता है तो फिर जो है एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो उसका शव यात्रा निकाली जाती है, शव यात्रा 5 किलोमीटर की निकाली जाती है, सारी जगह पुलिस खड़ी रहती है मूक दर्शक बनकर, जब वो यात्रा निकलती है तो उसमें लाठी डंडे तलवार सब होती है, पुलिस कोई भी कहीं पर भी कहीं नजर नहीं आ रही, इस तरीके का एक माहौल बनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अपराधी पकड़े जाते हैं, जब अपराधी पकड़े गए, उनकी जांच हो गई, उनके पास कुछ नहीं है, फिर उनको मौके पर ले जाते हैं और मौके पर ले जाकर कहते हैं कि जी इन्होंने तो पुलिस के ऊपर फायर किया, फिर जो है उनके पैर में गोली मार दी जाती है। और एक दिन पहले उसी लड़के की बहन ने कहा, बाकायदा इंटरव्यू दिया, सारा सोशल मीडिया पे भी चला कि मेरे भाई को कल से दो, और मेरे पिताजी को 2 दिन से वो पुलिस ने जो है एसटीएफ ने उठा रखा था। वो मैं कह रहा हूँ ये पैटर्न आप समझिए, इसमें जो है ये टूल किट कौन लोग बन रहे हैं, जो बच्चे नाबालिग हैं या अनपढ़ हैं, उन लोगों को बीजेपी और बजरंग दल और आरएसएस के लोग उनका उनसे उनको इस तरीके का माहौल इस्लामोफोबिया से उनको इस तरीके से बताया जाता है कि सब चीजों के जिम्मेदार अगर कोई है तो वो मुसलमान है, वो ऐसी एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद क्या माहौल बनता है। अब ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी पर भी मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा जी, एक अपराध होता है, उसके 2 दिन बाद आप जो है अगर अवैध निर्माण हुआ तब भी, अगर अवैध निर्माण पाया गया तब भी, अरे सर सुन तो लीजिए, मान लीजिए आज मेरा घर अवैध बना हुआ 50 साल से, आप समझिए बात को, और मैंने आज कोई अपराध कर दिया यूपी में, तो कल ही मेरा घर अवैध हो जाएगा सर, ये मानसिकता समझिए। इसका मतलब है कि वो ये बात जो 80-20 की बात करते हैं और संविधान की शपथ ले रखी है मोदी जी ने और योगी जी ने,
अगर वो ये करना चाहते हैं कि भाई 80 करोड़ की बात करेंगे, 20 की नहीं करेंगे, उनको दबाएंगे, डराएंगे, उनके मकान तोड़े जाएंगे, उनके एनकाउंटर किए जाएंगे, फर्जी एनकाउंटर किए जाएंगे, ठोक दो। जब योगी जी इतने बड़े मन से कहते हैं ठोक दो, तो अधिकारी क्या करेगा भाई? अधिकारी तो चाह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा एनकाउंटर करेंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। तो इस तरीके का ये देश, देखिए देश संविधान से चलता है, ना कि जो है ये तानाशाही से चलता है। ठीक है, यानी कि माहौल बना रखा है, ये लग रहा है कि जो पैटर्न आप समझिए, जहां जहां तो बहाना है, लेकिन असल में खास समुदाय को टारगेट पर लिया जा रहा है। लेकिन अनिला सिंह जी, यही सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं। विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि भाई अगर एक साल पहले अवैध निर्माण पाया गया तो आप क्यों वहां पर खास तौर पर एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। वो बात अलग है कि जिन 23 घरों को चिन्हित किया गया, नोटिस चस्पाया गया है, 20 उसमें से मुसलमानों के और 3 उसमें से हिंदुओं के भी। कानून जो है ना, वो धर्म देखता है ना जाति देखता है। ठीक है, अगर वहां पर मुसलमानों ने ज्यादा अवैध निर्माण किया हुआ है तो उनकी आरती उतारें क्या? नोटिस ना भेजें? एक साल से क्या कर रहे थे? मूंगफली छील रहे थे? क्यों नहीं अपना अवैध जो निर्माण था उसको हटा दिया? जो यहाँ बैठकर वकालत कर रहे हैं, जो 5 किलो राशन की जगह 5 किलो पत्थर पहुंचाते हैं हर घर में, कि कोई भी हिंदू जुलूस निकले, प्रोसेशन निकले, देवी देवताओं की कोई आरती भजन हो तो चला दो पत्थर, पत्थर से मन ना भरे तो पीठ में गोली मार दो कायर कहीं के। सामने से गोली नहीं मारी उस बच्चे के, पीठ में गोली मारी। यानी अनिला जी, आप ये बात मान रही है ना कि जो प्रशासनिक अमला है योगी सरकार का, वो फेल साबित हुआ है? जो यात्रा भी निकाली गई, ऐसा तो नहीं है इतनी बड़ी यात्रा निकाली गई, प्रशासन से परमिशन नहीं ली थी, वहां पर पुलिस मौजूद थी, प्रशासनिक अमला रहा होगा, फिर कैसे सब कुछ हो गया? फेलियर तो हुआ ना, ये भी आप बात मानिए। क्या फेलियर हुआ भाई, क्या फेलियर हुआ? मेजोरिटी पॉपुलेशन यहाँ पे हिंदू रहती है, हर गांव हर मोहल्ले में प्रोसेशन निकलता है, तो इनकी डर की वजह से हर जगह पुलिस तैनात हो जाए? हाँ, जब मौका लगता है भाईचारा भाईचारा भाईचारा, और जब मौका लगता है पत्थर बरसा दो, उल्टी सीधे नहीं, नहीं, मेरा सवाल तो यही था ना, जो पत्थर बरसाने वाले थे, जो हिंसा करने वाले थे, उनको रोकने के लिए तो कोई वहां पर होना चाहिए था। गोपाल मिश्रा को जिस तरह से मार दिया गया, उसको रोकने वाला तो नहीं होना चाहिए था? सब कुछ होता है, अगले दिन वहां पर आगजनी भी की गई, कोई रोकने वाला नहीं था। अपमान करेंगे, इनकी आरती उतारें, आरती उतारें इनकी। यहाँ पर ओवैसी की पार्टी के बैठे हुए हैं प्रवक्ता, इनके नेता क्या कहते हैं हिंदू देवी देवताओं के विषय में? बताऊं बताऊं क्या बोलते हैं? बात बनाते हैं पूरे विश्व में। आप कैसी मानसिकता में कह रहे हैं? भारत में जहाँ पे मेजोरिटी पॉपुलेशन को ये माइनॉरिटी, आपकी बुद्धि ठीक है, लेकिन ये प्रश्न विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। अनिला जी, फराज किदवाई साहब एक बात तो यहाँ पर है, विपक्ष को हम नहीं मानते, हम कानून को मानते हैं। विपक्ष होगा होगा, दम है तो आ जाओ सत्ता में, दम है तो आ जाओ सत्ता में, ये हमें बताएंगे सरकार कैसे चलेगी। सरकार जो चल रही है योगी आदित्यनाथ जी की, बहुत सुंदर बहुत अच्छी फराज की भाई साहब, ये उत्तर प्रदेश की जनता। अनिला जी, अब एक काउंटर ले लेते हैं, आपने कई सारे प्रश्न उठा दिए हैं। फराज की भाई साहब, सवाल यहाँ पर यही है कि क्या विपक्ष के लोग भी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं? सवाल यह है कि जब आपको जिस व्यक्ति को, जिस युवक को गोली मारी गई, उसके साथ कम सिंपैथी दिखाई दे रही है और आपको अपने वोट बैंक के साथ ज्यादा सिंपैथी दिखाई दे रही है, ये सवाल बीजेपी करती है? जो आरोप आप लोग लगाते हैं कि उधर सेलेक्टिव है, वही आरोप तो आप पे लगते हैं, और सत्ता में रहते हुए भी आरोप लगे थे और विपक्ष में रहते हुए भी आरोप लग रहे हैं। रवि जी, दो चीजें, बल्कि 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जिस लड़के की हत्या हुई वो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात नहीं, कहीं ये सिर्फ औपचारिकता के लिए तो आप नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये मैंने सवाल कर दिया तो कहीं तो ऐसा नहीं है कि औपचारिकता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बात वो दिखा, वो जो बात महसूस होती है दिल में वो दिखनी भी चाहिए। अनिला जी मैं बात कर रहा हूँ ना, अनिला जी प्लीज, अनिला जी मैं बात कर रहा हूँ, मेरा सवाल है, उनको उत्तर दे दीजिए। फराज की भाई साहब, बात पूरी करिए। देखिए, मैंने लिख के दे दिया, अगर आपको औपचारिकता लग रही है तो मैंने लिख के दे दिया कि ये गलत है, और वो भी हिंदी में लिखा है भाई, हो सकता है कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जिनको अंग्रेजी ना समझ में आती हो, तो मैंने लिख के दे दिया कि ये गलत है। दूसरी बात ये है कि समाजवादी पार्टी और मैं दोनों ये मानते हैं कि हर एक धर्म का सम्मान करना चाहिए और कभी किसी दूसरे के धर्म को गाली नहीं देनी चाहिए। अभी बाराबंकी में एक शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें एक हमारी हिंदू बहन है, उन्होंने ट्विटर पर ये पोस्ट किया और मां के जुलूस में मां की गालियां दी जा रही थी, जो कि मैं आपके चैनल को सुना भी नहीं सकता हूं। और ये हमारे देश की भोली भाली जनता नहीं कर रही होगी, ये कर रही होगी भारतीय जनता पार्टी के टूलकिट बने वो लोग, जो कि चाहते हैं कि देश का माहौल खराब हो
और इसके सामने जो आपको एक ये मस्जिद दिख रही है, इस पर गुलाल का रंग फेंका गया और तमाम चीजें की गई। बहरहाल चलिए फिर मैं उन सब चीजों से भी हट जाते हैं। रही बात बुलडोजर की, अभी आपने कितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है ये देखिए, खाली मुसलमानों के खिलाफ नहीं रवि जी, ये पीडीए के खिलाफ है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सबके खिलाफ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के एक पिछड़े समाज से विधायक आते हैं, उनको एक अभी वकील साहब ने थप्पड़ ही थप्पड़ रसीद कर दिए, वो थप्पड़ मारे, लेकिन उन वकील साहब के घर पर बुलडोजर इसलिए नहीं गया क्योंकि वो विधायक पिछड़ी कम्युनिटी से आते थे। तो भारतीय जनता पार्टी जो है अपने विधायक जो कि पिछड़ी कम्युनिटी से आते हैं, पीडीए का हिस्सा होते हैं, उनकी भी जान जान माल और इज्जत की रक्षा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक सोच है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक विरोधी। ठीक है, उसी बात में आ जाता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर पे जी। ठीक है, देखिए मैं इसलिए सर आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपने इस अपने जवाब में एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया जो आप तस्वीर दिखा रहे थे ना अनिला जी, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें, फिर बाकी के मेहमानों के पास हम जाएंगे। एफआईआर भी हुई है, लेकिन एफआईआर भी हुई है। मैं अनिला जी, जो भारतीय जनता पार्टी के टूलकिट की बात कही जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, इस पर आप क्या बोलेंगे, छोटा सा रिएक्शन आप दे दीजिए। अरे ये जो जनाब बैठे ना, इनके पूर्वज क्या थे? हिंदू नहीं थे? फिर ये कि तलवार की नोक से डर कर इन्होंने धर्म बदल लिया, आज हमको पाठ पढ़ा रहे। अरे हिंदू पिछड़ा हो, हिंदू दलित हो, हिंदू सवर्ण हो, हम सब एक हैं, आप लोगों को बांटने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और हमारे जब भी कोई भी किसी प्रकार का जुलूस निकलता है, प्रोसेशन निकलता है, वहां पर अपने लोगों को घुसा कर उल्टी सीधी हरकतें करवाने वाले आप लोग हैं, क्योंकि कायर हैं आप लोगों को, पीठ पीछे काम करने की आदत है, और हम जो करते हैं सामने, क्योंकि एक सनातनी का चरित्र ये होता है, हिंदू का चरित्र ये होता है, छुप छुप के पीठ में नहीं छुरा भोगा जाता, पीठ में गोली नहीं मारी जाती है। तो हमें ना पाठ पढ़ा कि हिंदू पिछड़ा, हिंदू दलित और हिंदू सवर्ण जो है, वो एक दोनों पक्षों के बयान से एक चीज जो है अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाई दे रही है कि दोनों एक दूसरे पर समाज को बांटने का आरोप लगा रहे हैं। आप कह रही हैं वो बांट रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप लोग बांट रहे हैं। सवाल यही है कि इस देश और समाज की एकता की बात कौन कर रहा है अगर दोनों पे एक दूसरे पे सेम ही आरोप लग रहे हैं तो। और देखिए बहराइच पर सियासत भी जमकर हो रही है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यूपी सरकार की ठोक दो की नीति संविधान के खिलाफ है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि दंगाइयों की कुटाई जरूरी है। सुनिए, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है, आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए, क्योंकि एक बार अगर कोई गलत चीज़ का आप आगाज कर देंगे तो वो गलती चलते रहेगी और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा। देखो, दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई के लिए जरूरी है। अगर समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई करना है तो दंगाइयों की कुटाई भी होगी और बलवाइयों की ठुकाई भी होगी। तो सुना आपने दोनों तरफ से बयानबाजी। रंगरे साहब, सवाल जब मैं आपसे करता हूं इस विषय पर तो मुझे फिल्म का वो डायलॉग याद आता है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। भाई, आपके टॉप लीडर्स तो ऐसे बयान देने के लिए मशहूर रहे हैं इस देश में, केसेस भी हुए हैं, फिर आप ही वही बात अब दोहरा रहे हैं, दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, ये कैसे करते हैं आप, या इसका जवाब क्या हो सकता है? भाई 15 मिनट पुलिस हटा के दूसरे को देख लेने वाले लोग कैसे ये कह सकते हैं कि दूसरा गलत कर रहा है या सही कर रहा है? आप इसका क्या उत्तर देना चाहेंगे? देखिए, लगातार आप जो है ना, बस वो जो आज से कम 10 साल पुराना बयान है और उसमें जो हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं वो जेल भी गए और बाद में वो उस केस में वो बरी भी हुए, मगर जो लगातार जो नफरती चिंटू आतंकी और जिहादी और जो इस तरीके की रोजाना बात करते हैं, जो मुसलमानों को मारने और काटने की बात करते हैं, उन पर आप खामोश रहते हैं। और भाजपा के जो हमारे मोदी जी हैं और योगी जी हैं वो क्या कहते हैं, कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, ये कौन सी बात है? आप ये बताइए, SC20 क्या है, शमशान कब्रिस्तान क्या है बताइए। तो इस तरीके की जो बातें हो रही हैं इस देश में, मैं कहता हूं, मैं लगातार हमारी पार्टी का एक ही स्टैंड है, आप जब कार्रवाई क्यों करते हैं जब कोई घटना घट जाती है? उससे पहले जब यात्रा निकल रही थी, बिना परमिशन के यात्रा निकल रही थी, आप पुलिस मौजूद क्यों नहीं थी?
तो योगी जी को अपनी नैतिकता के आधार पर तुरंत अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और यूपी में जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि योगी जी से पूरा प्रदेश नहीं संभल रहा। देखिए मैं बताता हूँ, एक होता नेता, एक होता है साधु संत। साधु संत का अलग काम होता है, राजनीति एक अलग चीज होती है, तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकती। तो इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस जो है वहां की, यूपी की, यूपी के जो शासन प्रशासन है वो खुद कंफ्यूज है। अगर कहीं इंसाफ कर देता है तो उनका ट्रांसफर हो जाता है, और अगर वो जो है गलत करता है, सरकार के दबाव में आके काम करता है, तो उसको जो है उसका पद जो है बढ़ा दिया जाता है, उसको जो है उसको ठीक है। देखिए इस पर सियासी बयानबाजी चल रही है, सबके अपने तर्क हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बहराइच में जो हिंसा हुई है उसके बाद ये स्थिति बनी है कि सरकार वहां पर एक्शन ले रही है और सरकार के ऊपर आरोप भी लग रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इस मामले में कानून कहां तक कार्रवाई करेगा और उसको लेकर यह सियासत कब तक जारी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमारे पास इतना ही था, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।